Hello everyone, I'm Sandeep Bains. I hope you all are well. Welcome back to my channel. If you know how to make simple braid, then you can make these hairstyle very easily. In this video, I will tell you three easy hairstyle. बिल्कुल सिंपल सिंपल से तीन हेयर स्टाइल हैं, आप इसे इजीली बना सकते हैं. व्हेन आप सूट वियर करते हैं, कुर्तीज़ वियर करते हैं, तो ये जो हेयर स्टाइल हैं बहुत ही अच्छा लुक देते हैं. सो मैंने फर्स्ट हेयर स्टाइल में एक जो हमारा सिंपल ब्रिड होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सीधी चोटी, उसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े फ्लिक्स ऐड किए हैं और मैंने इसे फ्रेंच चोटी बोलते हैं. मैं वो स्टेप यहाँ पर कर रही हूँ. दूसरी साइड में मैं ऐसा सेम हेयर स्टाइल कॉपी कर रही हूँ. और बैक साइड मैं फ्रेंच करूँगी. जो मैंने वो चोटी बनाई थी उसे थोड़ा मैंने खोल लिया है और इसे मैं अपने अंदर जो बैक साइड में अपना फ्रेंच हेयर स्टाइल बना रही हूँ उसके साथ मैं उन जो मैंने आगे फ्रेंच किए हैं उन्हें मैंने ऐड कर लिया है. और बैक साइड मैं दोनों साइड से बाल लेती हुई फ्रेंच चोटी बना लूँगी. और मैंने ये लिया है बॉबी पिन, इसके साथ मैं अपने बाल को सिक्योर कर लूँगी. जहाँ जहाँ से मुझे थोड़े रफली लग रहे हैं उन्हें मैं दबाकर अच्छे से पिन अप कर लूँगी. थोड़ा सा मैं इसे फ्लफी कर लूँगी जिससे कि मैसी सा लुक आ जाएगा. जो मेरे बाल हैं वो बहुत ही पतले हैं, थोड़ा मैंने इन्हें फ्लफी करने के लिए दोनों साइड से पिंच किया है, जिससे कि जो मेरा ब्रिड है थोड़ा फ्लफी सा लग रहा है, अच्छा लुक आ गया है इससे. तो जो मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, ऐसे मैंने अपना फर्स्ट हेयर स्टाइल क्लियर कर लिया है. जो भी थोड़े बाल निकल गए हैं आप उसे बॉबी पिन के साथ सिक्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड हेयर स्टाइल. जो मैंने फर्स्ट हेयर स्टाइल किया है उसे ही मैंने सेकंड में कॉपी किया है. बट अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरा वहाँ मैंने सिंपल ब्रेड के साथ उसे ऐड किया है, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं सीधी चोटी और उल्टी चोटी, यहाँ पर मैं उल्टी चोटी के अंदर वही फ्लिक्स ऐड करती जाऊँगी. जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया है वो जो स्टेप है बहुत ईजी है. अगर आपको फर्स्ट स्टेप अच्छे से आ जाता है तो आप सेकेंड स्टेप को ईजिली ट्राई कीजिए. बट जो ये सेकंड हेयर स्टाइल है, आप इसे किसी भी पार्टी में अगर आप इस हेयर स्टाइल को बनाते हैं, जो भी ऊपर जो मैंने ब्रिड बन रहा है उसे हम थोड़ा सा फ्लफी कर देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा. तो हम हिंदी में बोलते हैं एक खंजूरी चोटी, इसके साथ मैंने बैक साइड खंजूरी चोटी को ऐड कर दिया है. बाय द वे गाइस, इफ आई टेल द ट्रूथ, आई डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी दीज हेयर स्टाइल. सो मैंने जैसे कि मैंने सुना है इसे खंजूरी चोटी बोलते हैं.
तो मैं इसमें मैंने कर लिया है खंजूरी चोटी को ऐड और इसे भी मैं फ्लफ़ी कर रही हूँ। जो मेरे बाल हैं बहुत पतले हैं तो मैं इन्हें पिंच करती हूँ और मैं इसे फ्लफ़ी कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे बाल हैं ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। एक अच्छा सा लुक आ जाता है इसके साथ। जो ये मेरा हेयर स्टाइल है, दिस इज़ माई फेवरेट। तो जो ये मेरा हेयर स्टाइल है क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड हेयर स्टाइल, मैंने ईयर पार्टीशन कर लिया है और मैं उसे बैक कॉम कर रही हूँ। जब भी आजकल लड़कियों को बहुत पसंद है पफ बनाना, तो अगर हम सिंपल पफ बना लेते हैं तो जो हमारे बाल है इतना अच्छा प्रॉपर लुक नहीं आता। मैंने बैक कॉम किया है। स्प्रे किया और देन मैंने जो अपने बाल है अच्छे से कॉम कर अच्छे से पिन अप कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया अपने जो बाल है, इन्हें सिक्योर कर रही हूँ पिन के साथ। नेक्स्ट यही मैं जो हेयर स्टाइल है दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल करूँगी। ईयर पार्टीशन करना है आपको और बैक कॉम करना है और आपको स्प्रे का यूज़ करना है, जिससे कि जो बाल हैं अच्छे से आपके अच्छा लुक देंगे। उसके साथ बैक कॉम करो और अच्छे से स्प्रे करो। ध्यान रहे कि आपकी आंखों के अंदर स्प्रे न जाए। अच्छे से कॉम करो अपने ऊपर वाले जो हेयर्स हैं और फिर से मैं इसे कर रही हूँ पिन अप। और यहाँ भी मैंने थर्ड जो मैंने हेयर स्टाइल है इसमें भी मैंने एक डिफरेंट ब्रेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं यूँ एक तरफ मैं कुछ ज़्यादा बाल ऐड कर रही हूँ और एक तरफ मैंने बिल्कुल थोड़े से बाल को ऐड किया है। इसके साथ एक अच्छा सा लुक आ जाएगा, लाइक स्प्रिंग टाइप आप देखेंगे। आगे हमें अच्छे से अपने बालों को पिंच करना है और उसके साथ बड़ा फ्लफ़ी सा मैसी सा लुक आ जाएगा। गाइज ये मेरा हो गया थर्ड हेयर स्टाइल कम्प्लीट। ओके गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि जो मेरे नेक्स्ट अपडेट हैं आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू एवरी वन।